हेलो फ्रेंड्स, ये गुजरात ट्रिप की मेरी दूसरी वीडियो है। ये वडोदरा जंक्शन है, यहाँ से हमने अहमदाबाद के लिए ट्रेन ली थी। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन है, इसे क्लिक करिए और फर्स्ट वीडियो देखिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम गुजरात के किसी लोकल एरिया को एक्सप्लोर करें, वहाँ के विलेज को देखें। तो हमारे एक रिलेटिव रहते हैं जो कि सानंद में रहते हैं, जो अहमदाबाद से अप्रॉक्स 25 किलोमीटर की दूरी पर है। सानंद गाँव है, जिसकी लोकेशन ये दे रखी है, आप चेक करिए। यहाँ पे बहुत ही हरियाली है, चारों तरफ सुकून, शांति, एवरीथिंग। ये वहाँ के गांव हैं। आप देखिए कि गुजरात के गांव कैसे होते हैं, वहाँ के खेत कैसे होते हैं। और अगर आपके यहाँ के भी खेत ऐसे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यहाँ में और आपके यहाँ में क्या फ़र्क है। मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर जो मिट्टी है वो काफ़ी टाइट मिट्टी है, यानी यहाँ पर ज़्यादातर आप मूँगफली इन सारी चीज़ों की खेती होती है। बट यहाँ पर जो मैंने देखा, ये जो हैं ये मेरे रिलेटिव हैं और इनके यहाँ सारा गेहूं की खेती हो रखी थी जब मैं पहुंचा था। मैं आपको आगे बताता हूँ, चलता हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ। फ्रेंड्स, खेतों को देखने के बाद हम सीधा फार्म हाउस पे पहुँचे। ये चाचा जी का फार्म हाउस है और यहाँ पे ये बिल्कुल खेतों के बीचों बीच है और जस्ट बगल में अस्तबल भी है जहाँ पर काफ़ी सारे घोड़े भी हैं। और ये सबसे अच्छी जगह ये मुझे लगी कि ये खेतों के बीच बिल्कुल शांत जगह है, यहाँ पे चारों तरफ शांति है। और यहाँ पे अगर ये अपने खेतों की निगरानी भी करते हैं तो ड्रोन से करते हैं, क्योंकि चारों तरफ काफ़ी दूर में फैला हुआ है। और आप यहाँ देखिए, ग्रीनरी है चारों तरफ। और चाचा जी डेली का उनका ये काम है कि आते हैं खेतों में, चींटियों को आटा देना, कुत्तों को रोटी देना, ये उनका डेली का काम है। इनकेस अगर वो अवेलेबल नहीं होते हैं तो किसी को ये जिम्मेदारी सौंप के जाते हैं। बाकी गुजरात में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे लोग काफ़ी धार्मिक हैं और मंदिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं, लोग श्रद्धालु हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे लोग मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन हैं, तो ये चीज़ मुझे पता चला। बाकी आप, अब मुझे नहीं पता है कि कितना सही है, बट आप गूगल कर सकते हैं। अगर ये बात आपको लगे तो आप कमेंट में भी मुझे बताइए कि यहाँ पे लोग कितने प्रतिशत लोग यहाँ पे वेजिटेरियन हैं। और इसको करने के बाद हम पूरा एक्सप्लोर हमने किया ये, उसके बाद हम खेतों की तरफ गए। खेतों से आने के बाद हम तुरंत अहमदाबाद एक्सप्लोर करने के लिए चले गए, बिकॉज़ हमारे पास एक दिन का ही टाइम था। अहमदाबाद में हमने तीन जगह घूमी, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा दिन का टाइम था नहीं। और अहमदाबाद में वैसे भी जो घूमने लायक जगह है, जिनके यहाँ हम रुके थे, चाचा जी ने बताया कि आप जाओ वहाँ की लेक चले जाओ। लेक है एक साबरमती आश्रम है गांधी जी का, और वहाँ का रिवर फ्रंट है जो साबरमती के किनारे बना हुआ है। अगर आप गूगल मैप से देखेंगे तो अभी भी बहुत क्लियर दिखाई देता है, जो कि वाकई में सबसे अच्छा बना हुआ है। और वहाँ की साबरमती नदी बिल्कुल साफ़ है, मैं आगे पिक्स उसके ऐड कर दूंगा। मेरी बैटरी एक्चुअली डाउन हो गई थी, दैट्स रीज़न मेरे पास मैं वीडियो नहीं बना सका। और आप ये चीज़ देखिए कि यहाँ पे इन्होंने पर्सनल अपना एक मंदिर बना रखा था जो कि खूबसूरत था, दैट्स वाई मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं। और यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस यहाँ पे भक्ति गाने चलते रहते हैं, तो इनका पर्सनल है। बाकी अगर किसी को और आना हो यहाँ दर्शन करने तो आ सकता है। इसके जस्ट बगल में ही तालाब था जो कि बहुत ही अच्छा तालाब, यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने देखे कि तालाब के अंदर बहुत साफ़ सफाई थी। और ये गांव की पतली सकरी गलियाँ हैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इंडिया में हर जगह जो गाँव होते हैं लगभग सेम होते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर मुझे पुराने टाइप के घर मिले हैं जो आप लोगों ने कभी मूवी में या कहीं देख रखा होगा गुजरात में कैसे घर होते हैं। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोग गुजरात का विलेज की लाइफ देखें। दूसरे वीडियो में मेरे पास कुछ ज़्यादा कंटेंट है नहीं, बाकी मेरे पास यही था कि यहाँ के खेतों को दिखाऊं, यहाँ के कल्चर को दिखाऊं। वो चीज़ अगर आपको इसमें लगे तो आप लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और साथ के साथ कमेंट में भी बताएं मुझे किस चीज़ पे इम्प्रूव करना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आए, कहीं भी आपको दिक्कत लगे, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, पहले से एडवांस में बोल के रखता हूँ, बिकॉज मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ इसमें। और लास्ट तक ये वीडियो देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। उसमें मैंने गांधी जी का रियल चश्मा जो यूज़ करते थे वो दिखाया है, उनका चरखा वो दिखाया है। तो आप बने रहिए और आगे देखिए। Sex under the tree. अहमदाबाद को एक्सप्लोर करने के बाद हम वापस सानंद विलेज आ गए। उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट करके देन फिर हमने लंच किया
और लंच में जो हमने हमारे सामने पेश हुआ वो गुजराती थाली था, वहाँ का ट्रेडिशनल थाली था। मैं उसकी इमेज आपको दिखा रहा हूँ। चलिए अब हम घर के अंदर चलते हैं। ये देखिए ये घर था चाचा जी का, और यहाँ से आप देखिए कि व्यू कितना अच्छा है। ये नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ थी और यहाँ पे ये सारा कुछ था। देन हम मैं आपको आगे की तरफ दिखाता हूँ। यहाँ पे घुसते ही सबसे पहले ये भगवान जी का मंदिर था, साईं बाबा का, और फिर हम बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद यहाँ पे पार्किंग थी, इस साइड बिल्कुल चारों तरफ से ग्रीनरी थी। ये देखिए घर है, और बाकी मैं आपको पीछे की तरफ से भी दिखाता हूँ ये कितना खूबसूरत बना रखा और बिल्कुल प्रॉपर मैनेज है। बनाना ही नहीं सब कुछ होता है, मैनेज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने अमरूद के पेड़ देखे, चीकू के पेड़ देखे, ये सारे पेड़ यहाँ पे लगे हुए थे। और आप भी व्यू लीजिए और मज़े लीजिए इसके। ये पुराने टाइम के जो खेती होती थी उसके ये अलग है, अभी इसका यूज नहीं है। हाँ अच्छा, ऐसे निकलेगा।